हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. बेटा बेटा लेट कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर थर्ड, डीप वाटर. हमने रीडिंग स्टार्ट की थी डीप वाटर की और उसी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आई टोल्ड यू दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर. आपको बता दिया था ये ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है. इन दिस वन विलियम ओ डगलस डिस्क्राइब्ड हिज ऑन एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस उसने यहाँ पे शेयर किया है. एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फियर ऑफ वाटर, कैसा एक्सपीरियंस जो कि उसका पानी के डर से रिलेटेड है. वी कैन से हाइड्रोफोबिया. क्या था उसको? हाइड्रोफोबिया. एंड हाउ इट क्रिएटेड, ये फोबिया कैसे क्रिएट हुआ. एंड हाउ डिड ही ओवरपावर इट, उस पर कैसे वो कंट्रोल करता है. हाउ डिड ही विन, वो कैसे जीतता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे. अब तक हमने पढ़ा क्या है ये सुनिए. इन द स्टार्टिंग विलियम ओ डगलस टेल्स अस, विलियम ओ डगलस हमें बताता है. देखो यहाँ पे सुनिए, विलियम ओ डगलस टोल्ड अस व्हेन ही वाज 10 or 11 years old देन दिस इंसिडेंट हैपन्ड. वो कहते हैं इट हैड हैपन्ड. अब यहाँ पे इट मीन्स पर्टिकुलर इंसिडेंट इज हाईलाइटेड विच हैपन्ड विद हीम व्हेन ही वाज 10 or 11 years old. ही सेड दैट व्हेन ही वाज 10 or 11 years old ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम. उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा. फॉर दैट पर्पज ही बॉट वाटर विंग्स, उस पर्पज के लिए उसने वाटर विंग्स भी परचेज कर लिए. एंड ही वेंट एट द YMCA पुल, और वो YMCA पुल पे भी चला गया. YMCA पुल इज कंसिडर सेफ. YMCA पुल को क्या कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल सेफ कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड. शेलो एंड से कितना है? 2 या 3 feet डीप है. ठीक है, अच्छा. अब उस पर्पज़ के लिए वहाँ पे गया. देन व्हेन ही रिमूव्ड हिज क्लोथ, पुट ऑफ हिज क्लोथ एंड गो इनसाइड द वाटर, देन अगेन द प्रीवियस फियर, द फियर विच वॉज प्रेजेंट इन हिज माइंड दैट रिवाइव्ड अगेन. वो फिर से क्या हो गया? वो फियर रिवाइव हो गया. एंड व्हाट वॉज द फियर दैट रिवाइव्ड? द फियर विच वॉज क्रिएटेड व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old. वो फियर रिवाइव हुआ जो वो 3 या 4 साल का था तब उसके अंदर बना था. कैसे बना? ही वेंट एट द कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर. अपने फादर के साथ जो है वो कैलिफोर्निया बीच पे गया था एक बार जब वो 3-4 साल का था. एट दैट टाइम ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, सर्फ में खड़ा था. देन वेव्स नोक्ड हिम डाउन, वेव्स ने उसे जो है वो गिरा दिया. एंड दोज ओवर पावर्ड हिम एंड ही वॉज नॉट एबल टू ओवर पावर दोज एंड अ फियर क्रिएटेड इन हिज माइंड. डर के पाने के लिए उसके मन में क्या हो गया? डर पैदा हो गया. एंड दैट फियर रिवाइव्ड अगेन व्हेन ही वेंट इनसाइड द पुल, YMCA पुल, फॉर लर्निंग स्विमिंग. ठीक है, फॉर लर्निंग हाउ टू स्विम. ये इस पर्पज़ के लिए जैसे वहाँ पे एंट्री करता है फिर से वो उसका फियर रिवाइव हो जाता है. एंड बिसाइड दैट बट ही सबड्यूड हिज फियर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उसको सबड्यूड करता है, कंट्रोल करता है. एंड स्टार्टेड टू फील रिलैक्स आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद रिलैक्स फील करने लग जाता है. बट वन डे व्हेन ही वेंट एट द YMCA पुल, एट द टाइम नोबडी वॉज देयर, कोई वहाँ पे था नहीं. ही सेट ऑन द पुल फॉर वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरों का जो है वो वेट करने के लिए वो पुल पे बैठ जाता है. एट द सेम टाइम अ ब्रेजियर केम, अ बुली केम, ही वॉज नियरली 18 years old एंड ही थ्रो हिम इनसाइड द पुल, और उसे कहाँ फेंक दिया? पुल के अंदर फेंक दिया. गॉट इट? देन व्हाट हैपन्ड? देन ही सेड दैट व्हेन आई वॉज गोइंग डाउन even I was frightened, but I was not frightened completely. I was thinking how to save myself and I made a plan, and the plan was when my feet will hit the bottom I will make a big jump, I will make a big jump and will come on the surface of the water. और मैं कहाँ आ जाऊँगा? पानी के सरफेस पे आ जाऊँगा. ठीक है, and paddle to the life flat on it and paddle to the edge of the pool. But वट हैपन्ड? आज हमने स्टार्ट करना है बेटा यहाँ से. अब उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई वो सुनिए. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाना काफ़ी लंबा लग रहा था, जैसे बहुत लंबा रास्ता कवर कर रहे हैं. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, 9 feet का रास्ता 90 से भी ज़्यादा लग रहा था. बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मैं इससे पहले कि मैं बॉटम को हिट करता, टच करता, उससे पहले मेरे लंग्स बिल्कुल बर्स्ट होने वाले थे. बिकॉज दोज वर फुल ऑफ वाटर, पानी से भर गए थे तो वो बर्स्ट होने वाले थे. बट वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समंड, समंड का मतलब होता बेटा कलेक्टेड, गैदर्ड. आई कलेक्टेड माई ऑल स्ट्रेंथ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया. एंड मेड वट आई थाट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जो मैंने सोचा था मैंने वैसे ही बिल्कुल एक लंबी सी ऊपर की तरफ क्या की? जंप की, स्प्रिंग के जैसे जंप करना. आई मेड अ ग्रेट जंप अपवर्ड, यहाँ स्प्रिंग का मीनिंग क्या है बेटा? जंप है.
आई वुड पॉप टू द सरफेस लाइक अ कॉक. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सरफेस पे कोके, और होता है आपका जंप भी कह सकते हैं आप, लाई, ठीक है, कि मैं वहाँ पे जो है वो फ्लोटिंग करूँगा. पॉप फ्लोट भी हो सकता है, कि मैं फ्लोटिंग करूँगा सरफेस पे कॉक के जैसे, जैसे कोक फ्लोटिंग करती है. कोक आपको पता हो ना, जो उसमें बोतल को बंद करने के लिए यूज़ की जाती है, डार्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं, लकड़ी का एक ऐसा शेप का बनता है जिसे बोतल बंद की जाती है, इटली जो केमिकल वगैरह बंद करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो है बाहर एनवायरनमेंट में ना जाए. तो कॉक के जैसे वो पानी के ऊपर तैरती हैं, तो ऐसे ही मुझे लगा कि मैं सरफेस पे कॉक के तरह एकदम से ऊपर आ जाऊँगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. वट वॉज विजिबल, वाटर एंड वाटर, बट वाटर एंड वाटर, बट दैट हैड अ डर्टी येल्लो टिंस टू इट. और इसमें एक बड़े डर्टी सी येल्लो कलर था, येलो स्मेल थी, येलो जो है वहाँ पे उसमें शाइन दिखाई दे रही थी, गंदा सा पानी था. आई ग्रू पैनिकली, उसे देख के मैं एकदम से उस सिचुएशन में बिल्कुल डरा हुआ था. ग्रू पैनिकली, फ्राइटेंड कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से डरा हुआ था. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, मैं ऊपर सरफेस पे आया ये सोच के कि मैं रोप वगैरह पकड़ूंगा, ये सोच के कि भी कोई रस्सी फेंकेगा मैं रस्सी को पकड़ लूँगा. एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर, मैंने कोशिश की रोप ऐसे रोप के उसको पकड़ने की, लेकिन हर बार पानी ही जो है मेरी क्लच में, मेरी ग्रैब में आ रहा था. क्लज्ड का मतलब होता है ग्रैब्ड, ठीक है, पकड़, मेरी पकड़ में हर बार पानी ही आ रहा था. आई वो सफोकेटिंग, मैं सफोकेटिंग फील कर रहा था. नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था. आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की. येल मीन्स होता है बेटा क्राई. मैंने क्या करने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर, फिर मेरी आँखें और नाक एकदम से पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुँह बाहर नहीं आया. Got it? So what happened with him? When that bully boy threw him inside the pool, at that time he went down and that pool was 9 feet deep, but those 9 feet were appearing just like 90 and his lungs were ready to burst. But he, according to the plan, he made the jump, but he didn't come out, only his nose and eyes came out of the water. ठीक है, यहाँ तक clear है? चलिए आगे सुनिए. आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर, स्वेल्ड एंड चॉकड. मैं फ्लेल्ड, फ्लेल्ड होता बेटा मूवमेंट ऑफ ए हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ ए हैंड्स एंड लेग्स इन सफोकेटिंग सिचुएशन. जब आप सफोकेट फील करें तो आप हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट नहीं करते हैं, छटपटाते जिसे बोलते हैं. तो मैं वहाँ पे पानी के सरफेस पे फ्लेल्ड कर रहा था, छटपटा रहा था, एंड स्वेल्ड पानी में अंदर स्वेलिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, एंड चोक्ड, और मेरा थ्रोट पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुका था, चोक हो चुका था. आई ट्राई टू ब्रिंग्स माई लेग अप, मैंने कोशिश की अपने टांगे ऊपर लाने की, भाई मैं फ्लैट हो जाऊँ, मैंने कोशिश की टांगे ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वैसे लटक रही थी जैसे किसी ने उन पर, वो डेड हो चुकी हैं ऐसी अपेयर हो रही थी. डेड वेट एंड पैरालाइज एंड रिजिड, थ्री वर्ड्स आर यूज फॉर दोज लेग्स. दोज लेग्स वर अपेयरिंग हंग एज डेड वेट, जैसे भाई बिल्कुल उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, ठीक है, नॉट एबल टू मूव, कोई मूवमेंट नहीं उनके अंदर, रिजिड, बिल्कुल टाइट हो चुकी थी. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ा सा फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हर्ड मी, लेकिन मुझे सिर्फ कौन सुन रहा था, पानी सुन रहा था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और अब मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई, कहाँ पे, पुल के बॉटम में, फिर दोबारा से ही. ही हैज कम्प्लीटेड वन जर्नी एंड नाउ द सेकेंड वन वॉज स्टार्टेड, फर्स्ट जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है, अब सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है. देखिए, आई स्टक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, अब मैं दोबारा जा रहा था, मैं पानी को ही हिट कर रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट एज इरेसिस्टेबल फोर्स, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई नाइट मेयर में, नाइट मेयर के दौरान करता है वो फोर्स जिसे हम रेसिस्ट नहीं कर सकते. देखो नाइट मेयर क्या होता है आपका, इस लाइन को समझना, नाइट मेयर क्या होता है, बुरा सपना,
एक होता है ड्रीम और एक होता है नाइटमेयर। ड्रीम क्या होता है? अच्छा सपना। नाइटमेयर क्या होता है? बुरा सपना। जब बुरा सपना आता है तो हम अपने हाथ पैर ऐसे मूव करते हैं ना, तो वो वही बात कह रहा है कि जैसे नाइटमेयर में मोमेंट होती है कि हम एक अजीब तरह का फोर्स हमारे ऊपर लग रहा होता है और हम उस फोर्स को हटा नहीं सकते, हम स्प्रेस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे वहाँ पानी के अंदर लग रहा था कि एक फोर्स जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीद, बिल्कुल मुझे सांस नहीं आ रही थी। एंड माई लंग्स एक्ट, एक्ट होता पेंड बेटा, मेरे लंग्स में क्या हो रहा था? पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर जो था वो चकरा रहा था। थ्रॉबिंग का मतलब क्या होता है? देन नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड यू आर जस्ट सर्कलिंग मोशंस अपेयरिंग देयर। ठीक है, सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा सिर चकरा रहा था, आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी भी यही होता है आपका चक्कर आना, मैं बिल्कुल डिजी फील कर रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपना प्लान याद था, मुझे अपना प्लान याद था। क्या था प्लान? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैं वहाँ पुल से फिर से जंप करूँगा। स्प्रिंग मैंने पहले भी बताया, स्प्रिंग का मीनिंग क्या? जंप। मैं बॉटम से फिर से जंप करूँगा एंड कम लाइक कोक टू द सरफेस, और कोक के जैसे सरफेस पे आ जाऊँगा। वुड लाइव फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पे सीधा लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, हाथों से, एंड थ्रस्ट विद माई लेग्स, हाथों और पैरों से मैं वहाँ पे स्ट्राइक करूँगा, हिट करूँगा। स्ट्राइक आउट है हिट करना, थ्रस्ट भी होता है ऐसे पुश करना। देखो थ्रश का मतलब होता है पुश करना, स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना, कि मैं उसे पुश करूँगा, हिट करूँगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, ऐसे हाथ पैरों के मूवमेंट के साथ मैं उसके पुल के किनारे पर आ जाऊँगा और मैं सेफ होऊँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, देखो समझ आ रहा है ना। देखो फर्स्ट जर्नी, वट ही डिड इन द फर्स्ट जर्नी? ही डिड द सेम थिंग इन द फर्स्ट जर्नी, ही मेड अ प्लान व्हेन ही विल गो, वही प्लानिंग चलेगी, नीचे जाएगा, हाथ पैर के मूवमेंट है, जंप वाली जो प्रोसीजर होगा। बट एवरी टाइम इट हैपन्ड हिज आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, नॉट माउथ, आँखें और नाक पानी से बाहर आ जाता है, मुँह पानी से बाहर नहीं आता। एंड ही वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल। नाउ I would get to the, I went down, down endlessly, लेकिन मैं नीचे ही नीचे जा रहा था। I opened my eyes, मैंने अपनी आँखें खोली, nothing but water with a yellow glow, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस येलो लाइट के साथ वहाँ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, बिल्कुल गहरा पानी जिसमें से आपको आर पार ना दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट नहीं था जो बिल्कुल भी। देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तभी एकदम से शीर टेरर ने, स्टार्क टेरर ने मुझे पकड़ लिया। देखो शीर क्या होता है? शीर का मतलब होता है बेटा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसा फियर जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं शीर टेरर। स्टार्क टेरर बोलते हैं आपका फियरफुल, ठीक है, बड़ा ही फियरफुल जो है उसे बोलते हैं स्टार्क। तो एक ऐसा टेरर जिसे कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल है, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, को जो भी सिचुएशन में होगा उसको ये डर जरूर से भी ज़रूर लगेगा, उसे बोलते हैं शीर एंड स्टार्क टेरर। तो मुझे फिर से उस शीर और स्टार्क टेरर ने मुझे पकड़ लिया। द टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। द टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो फियर जिस पे कि कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो टेरर जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। हु हैज़ नॉट ना एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, शेकिंग का मतलब होता है क्राइंग, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल क्या हो चुका था? पैरालाइज्ड हो चुका था, स्टिफ, टाइट हो चुका था। रिजिड भी टाइट ही होता है, किसके कारण? फियर के कारण, ठीक है। पैरालाइज्ड, नो मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, कि बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, मूवमेंट नहीं हो रही है। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चिल्लाहटें थी, क्राइज थी, वो भी मेरे गले के अंदर जम गई थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा दिल और दिमाग ये धड़क रहे थे। पाउंडिंग का मतलब होता है आपका थ्रॉबिंग, हम ऊपर एक वर्ड करके आए थे ना, थ्रॉबिंग, तो वो धड़कना। सिर्फ मेरा दिल और दिमाग ये धड़क रहे थे। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और यही हेड और हार्ट ही ये कह रहे थे कि मैं जो कि हूँ जिंदा हूँ। अदर बॉडी पार्ट्स वर सेइंग दैट आई वॉज नॉट ए अलाइव, दूसरे बॉडी पार्ट्स तो यही कह रहे थे कि मैं जिंदा नहीं था, ठीक है। गॉट इट? नाउ देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, उसी फियर के बीच में एकदम से वहाँ टच ऑफ रीजन, टच ऑफ रीजन का मतलब अ थॉट,
ठीक है, आ थॉट टच ऑफ रीजन, मैंने एकदम से फिर एक विचार आया, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद आया कि मुझे तो जंप करना है, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूँगा मुझे जंप करना है, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर वैसे ही हुआ जैसे ही मैंने टाइल्स को अपने पैरों के नीचे फील किया, माई टोज रीज्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे टोज जो हैं, मेरी उंगलियां जो हैं वो उसको बाहर निकल के पकड़ रही हैं, रीज्ड आउट वहाँ पे पहुँच गए, एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरी टांगों को पकड़ लिया है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ऊपर वाले पार्ट को टाइटली पकड़ लिया है, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन जो भी मेरे पास था पूरी एनर्जी के साथ मैंने जंप किया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था, आई लुक्ड फॉर रॉप्स लैडर्स वॉटर विंग्स, मैं रस्सी और सीढ़ी वॉटर विंग्स इन सबको ढूंढ रहा था, लुक्ड फॉर फाइंडिंग, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट, ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैंने ढूंढा इनको, फाउंड दोज बट नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ पानी मिला, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, येलो कलर्ड वाटर ने मुझे पकड़ लिया, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ए उस स्टार्क टेरर ने, उस इम्पॉसिबल टेरर ने मुझे क्या कर लिया, मेरे ऊपर डीप होल्ड कर लिया, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेती है ना और छोड़ती नहीं है, बिजली पकड़ लेती है, वो टेरर ऐसा ही था जिसने कि मेरे ऊपर डीप होल्ड कर लिया था, एंड इट वॉज नॉट गिविंग एनी रिलैक्सेशन टू मी, मुझे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर रहा था, आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट होता बेटा फियर, मैं पूरी तरह से हिल गया था, काँप रहा था मैं डर के कारण, माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे लेग भी मूव नहीं कर रहे थे, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, टू कॉल फॉर मदर, मदर के नाम लेके चिल्ला रहा था, नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी प्रोसेस चलेगी, ठीक है, एंड देन स्टेंजली देयर वॉज लाइट, लेकिन फिर वहाँ अचानक से लाइट ही लाइट नज़र आई, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था उस ऑफुल, ऑफुल किसे बोलते हैं, बेड, बेड स्मेल होती है ना उसे बोलते हैं ऑफुल स्मेल, मैं उस गंदे से येलो वाटर से बाहर आ रहा था, डर्टी भी होता ऑफुल, ठीक है, डर्टी को भी बोलते हैं, डर्टी बेड एक ही बात है, डर्टी, एट लीस्ट माई आईज़ वर, यहाँ तक कि मतलब कम से कम मेरी आँखें तो आई गई थी, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग बाहर आ चुका था, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, देखो अब उसकी थर्ड जर्नी शुरू होगी, टू जर्नीज वी हैव रेड आउट, हम दो जर्नी के बारे में पढ़ चुके हैं, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द थर्ड जर्नी टूआर्ड द बॉटम ऑफ द पुल, वो जर्नी कहाँ है, पुल के बॉटम में, ठीक है, ये थर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई, कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कितनी जर्नी उसने कवर की, ओनली थ्री, फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव रेड आउट, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ थर्ड, अब ये कौन सी आपकी थर्ड, आई सक्ड फॉर एयर, मैं हवा के लिए सकिंग कर रहा था, एंड गोट वाटर, लेकिन मुझे मिला क्या, पानी, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट थी वो अब जाती हुई दिखाई दे रही थी, मतलब जो पानी था वो दिखाई नहीं दे रहा था, येलोइश लाइट मुझे दिखाई दी और वो येलोइश लाइट अब जाती हुई दिखाई दे रही थी, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और सारे एफर्ट्स अब बंद हो गए, सीज्ड का मतलब होता है बेटा स्टॉप्ड, बंद हो गए, आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स फील किया, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, हालांकि मेरी लेग्स जो थी वो बहुत ही लिम्प फील कर रही थी, लिम्प विदाउट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेस, कैसी फील कर रही थी वो, एनर्जी लेस फील कर रही थी, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ठीक है, कालापन मेरे ब्रेन पे छा गया था, स्वेप्ट ओवर, ओवर पावर्ड भी कह सकते हैं हम स्वेप्ट ओवर पे, एंड इफ इट वाइप्ड आउट फियर, इसने जो फियर था उसको क्या कर दिया था, वाइप आउट कर दिया था, वाइप आउट का मीनिंग क्या होता है, रिमूव, वाइप आउट का मीनिंग क्या है, रिमूव, इसने उस फियर को दूर कर दिया था, इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने टेरर को भी दूर कर दिया था, जो ब्लैकनेस आई थी ना मेरे ब्रेन पे, उसमें उसके कारण मेरे ब्रेन मतलब देर वॉज नो एबिलिटी टू थिंक, अब तक जो थिंक सोच पा रहा था ना वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे ब्रेन पे एक कालापन छा गया था, इट वाइप्ड आउट द फियर, डर को दूर कर दिया, टेरर को दूर कर दिया, देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था,
इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल क्वाइट और पीसफुल था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं थी, दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का मीनिंग होता है बेटा स्लीपी, ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे हो तुम। टू गो टू स्लीप, सोने जैसा, नो नीड टू जंप, कोई जंप की ज़रूरत नहीं है, टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि जंप कर करके मैं थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये बड़ा अच्छा था, बड़े जेंटल मैनर में मुझे ले जाया जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे मैं फ्लोटिंग कर रहा हूँ स्पेस के अंदर। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर होता है सॉफ्ट है, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट आर्म्स मेरे चारों तरफ है, मुझे सहला रही हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ के जैसे, जैसे माँ सहलाती हैं ऐसे मुझे सहला रही हैं प्यार से। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रोस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं सो गया और जो ऑब्लिवियन हमने, मैंने ऑब्लिवियन को भी क्रॉस कर दिया। ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियस सिचुएशन, अनकॉन्शियस सिचुएशन, बेहोशी से भी आगे वाली सिचुएशन है, मैं वहाँ तक पहुँच गया था। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मतलब ऑलमोस्ट आई वॉज डेड, मैं मर चुका था, ठीक है, गॉट इट। तो मतलब इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस अप टू नाउ ही वॉज ड्रॉन्ड इन द पुल, ठीक है, वो किस में डूब गया, इन टू द पुल, पुल के अंदर वो डूब गया था। कैसे डूबा सबको पता है, अ बिग ब्रदर थ्रो हिम इनसाइड द पुल, एक बिग ब्रदर ने उसे पुल में फेंका, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, उसे पता नहीं था कैसे स्विमिंग करते हैं, बट ही ट्राइड टू डू हिज बेस्ट, उसने कोशिश की अपना बेस्ट करने की, बट ही वॉज नॉट एबल टू, एंड एट लास्ट ही ड्रॉन्ड, ही कम्प्लीटेड थ्री जर्नीज एंड ट्राई टू कम आउट एट द आइज ऑफ द पुल, ट्राई टू ग्रैब लैडर्स और रोप्स, बट वॉज नॉट एबल टू डू, एंड एट लास्ट ही ड्रॉन्ड, और आखिर में क्या हो गया, वो डूब गया, ठीक है। चलिए बाकी वाला बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।